हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। हम भूगोल का एक सीरीज पढ़ रहे हैं। इस सीरीज में हमने ढेर सारे वीडियो बना चुके हैं और आप सब उसे देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। दोस्तों, आगे चलते हुए हम एक नया चैप्टर लेकर आए हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेकर आए हैं। दोस्तों, इस चैप्टर से क्वेश्चन अक्सर बड़े एग्जाम में देखे जाते हैं। बड़े एग्जाम अगर कहें तो सिविल सर्विस, स्टेट सर्विस के एग्जाम से क्वेश्चन मिलते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन मिलते हैं। दोस्तों, इसे हमें समझना बहुत ही आवश्यक है। हमारा चैप्टर है समुद्री जल धाराएँ या जलधाराएँ। इसमें हमने बहुत कुछ जलधाराओं को लिख के रखा है, इसी के क्रम से समझेंगे ताकि हमें समझने थोड़ा सा आसानी होगी। ठीक दोस्तों, समुद्र में जलधाराएं दो तरह होती हैं। कुछ गर्म जलधाराएं होती हैं, कुछ ठंड ठंड या शीतल धाराएं होती हैं। तो इसे हम सामान्य सा परिचय में समझ लेते हैं कि कोई भी जलधारा ठंड या गर्म होने के पीछे वास्तविक वजह क्या है। हम कैसे क्लियर करें कि कोई जलधारा ठंड होगी या गर्म होगी, कैसे जानेंगे? इस प्रश्न का अगर हम बात करें तो बहुत ही सामान्य सा उत्तर यह है, जो जलधारा विषुवत रेखा या जीरो डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा। दोस्तों, हमने मैप को पहले से ही यहाँ पे सेट करके रखा है, इसी वजह से थोड़ा मेरा बोर्ड भी कवर हो गया है, थोड़ा सा बचा हुआ है, फिर भी हमने अच्छे से कवर किया पूरा। देखो, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिख रहा है विषुवत रेखा, जीरो डिग्री भूमध्य रेखा दिख रहा है। ये रेखा इसे से आ रही है, यहाँ से यहाँ तक पूरा चल रही है। यहाँ पर इस रेखा से जो भी जलधारा ऊपर या नीचे आएगी वो निश्चित ही रूप से गर्म जलधारा होगी। ध्यान दीजिएगा, जो जलधाराएं जीरो डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा से उत्तर की ओर इधर या इधर दक्षिण की ओर जलधाराएं जाएंगी वो निश्चित रूप से गर्म जलधारा होंगी। ठीक इसके विपरीत, जो जलधाराएं उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएंगे वो जलधारा ठंडी जलधारा होगी। दोस्तों, इतना तो आपको पता ही होगा, जो विद्यार्थी, जो फ्रेंड्स आज जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से, हमारे वीडियो से, उन्होंने नहीं समझ पा रहा है तो मैं हमारा पिछला वीडियो जरूर देखें, उससे एक समझ में आएगा कि जो विषुवत रेखा से धाराएं पोल की तरफ जा रही हैं वो गर्म क्यों हैं, या यूं कहें कि जो ध्रुव या पोल उत्तरी या दक्षिणी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आ रही हैं वो ठंड क्यों हैं। इसका दोस्तों एक सामान्य सा कारण यह है कि सूर्य की किरणें अत्यधिक या वर्ष में दो बार जीरो डिग्री पर लंबवत होती हैं। लंबवत होना इसका तात्पर्य हुआ कि भूमध्य रेखा के आसपास या भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश अधिक मिलता है। और दोस्तों, सूर्य का प्रकाश यदि अधिक मिलता है तो तापमान वहाँ उच्च होगा। यदि तापमान उच्च हो रहा है तो समुद्री जल भी तो गर्म होगा, और समुद्री जल जो गर्म हो रहा है तो पानी तो बहेगा, तो वो धारा बनकर उबलेगा, तो वो गर्म जल धारा होंगे। इसके जस्ट विपरीत ध्रुवों की तरफ बात करें तो ध्रुवों की तरफ दोस्तों सूर्य की किरणें सीधे नहीं चमकती। सीधे न चमकने की वजह से वहाँ तापमान कम होता है,
तापमान जब कम होता है तो समुद्र का पानी भी ठंड होता है, अपेक्षाकृत गर्म कम होता है। जब गर्म कम हो रहा है तो चलेगा तो और ठंडी जलधारा का रूप लेगा। दूसरी बात, अब एक आप सबके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा और आना भी चाहिए कि ये पानी ऊपर नीचे या चलता क्यों है, स्थिर क्यों नहीं रहता। दोस्तों इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण बनता है, पृथ्वी का घूर्णन। पृथ्वी घूम रही है, अपने अक्ष पे भी घूम रही है, अपने कक्ष पे भी घूम रही है, तो पानी को एक मोमेंटम मिलता है। इस कारण पानी उथल पुथल होते रहता है, ऊपर नीचे होते रहता है। दूसरा एक और महत्वपूर्ण कारण है, महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि गर्म चीजें हमेशा ऊपर उड़ती हैं। जो ऊपर उड़ गई तो वहां जगह खाली बचा, वहां खाली स्थान को भरने के लिए कोई चाहिए ना, तो ठंडी जलधाराएं आती हैं। विशुद्ध रेखीय प्रदेश में पानी गर्म हुआ, ऊपर उठा, या ऊपर मतलब उत्तर या दक्षिण गया, ये जगह खाली हुआ, तो इस खाली जगह को भरने के लिए जो जलधाराएं आएंगी तो ठंड होगी। आएंगी क्यों? क्योंकि गर्म जलधारा थी, ऊपर नीचे गया तो यह जगह खाली बचा। तो इसी कारण पूरी पृथ्वी का पानी आपस में मोमेंटम करते रहता है। ठीक, तो ये है जलधाराओं के उठने का प्रमुख कारण। हम उम्मीद करते हैं कि आप जरूर अच्छे से समझे होंगे। अब रही बात दोस्तों इन जलधाराओं को एक एक करके समझते हैं कि कौन जलधारा कहाँ बहती है और गर्म कैसे है और ठंडी कैसे है। दोस्तों पहले समझते हैं गर्म जलधाराएं। हमने लिख के रखा है, आप भी इसको लिख लीजिएगा, गर्म जलधाराएं। दोस्तों पहला का है विस्वती धारा। ये नाम से ही स्पष्ट है, अभी जो हमने दो चार मिनट बताया समझाया आपको, अगर ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों तो ये आप ऑप्शन ने देखे, अगर परीक्षा में पूछ रहा है तो ऑप्शन देख के आप खुद ही क्लियर कर लेंगे कि ये गर्म जलधारा है। क्यों? क्योंकि इसका संबंध विषुवत रेखा से है। विषुवत रेखा मतलब जीरो डिग्री अक्षांश, जीरो डिग्री अक्षांश, जीरो डिग्री अक्षांश। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर है, ये यहाँ पर वर्ष में अत्यधिक तापमान मिलता है, तो यहाँ का पानी गर्म होगा, तो यहाँ से चलने वाली जलधाराएं भी गर्म होंगी। दोस्तों इसमें से विषुवत रेखा इधर भी आती है, उधर भी आती है, और ऐसे ऐसे भी चलती हैं। जैसे दो नाम दिया जाता है, एक नाम दिया जाता है विषुवती विपरीत धारा और एक विषुवती धारा। दोस्तों विषुवती धारा और विषुवती विपरीत धारा नाम यहाँ है, जो यहाँ से इधर जा रही है वो विषुवती धारा, यहाँ से इधर आ रही है वो विषुवती विपरीत धारा कहते हैं। आप उतना मत उलझिए, उतना जरूरत नहीं है, बस इतना समझिए कि विषुवती जलधारा है तो वह गर्म जलधारा होगी। क्यों? क्योंकि यह विषुवत रेखीय प्रदेश में चलती है। आप विषुवत रेखा ये देख लीजिए, विषुवत रेखा यहाँ पूरा लाइन में खींचा हुआ है, इस रेखा के आसपास जो चलने वाली धाराएं होंगी वह गर्म जलधारा होंगी। दोस्तों दूसरा आया गल्फ स्ट्रीम। दोस्तों गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा है वो विषुवत रेखा से उड़ती है, यहाँ से ये देखिए दोस्तों विषुवत रेखा उठेगी, ऐसे जाएगी, ऐसे 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 ऐसे, ये फला फला देखिए जिधर जिधर मेरा उंगली जा रहा है, ये वाला भाग अपने मैप में देख लीजिएगा, एटलस जरूर रखिएगा अपने सामने, विषुवत का मैप खोल के ये देखिए जा रही है। दोस्तों यही है विषुवत रेखीय जलधारा, सॉरी गल्फ स्ट्रीम। और जो गल्फ स्ट्रीम है यह गर्म जलधारा है, ये विषुवत रेखीय प्रदेश उठेगी ऐसे बेष्टनी होते हुए, ये जो देश मिलेगा हवाना वगैरह मैक्सिको ऐसे चलते अमेरिका उत्तरी अमेरिका से ऐसे मुड़ जाती है, यह गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम अगर बोले क्वेश्चन पूछें कि गल्फ स्ट्रीम जलधारा विश्व के मानचित्र पर कहाँ देखने को मिलेगा, दोस्तों विषुवत रेखीय प्रदेश से उठते हुए
उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग की ओर जाती है, यह है गल्फ स्ट्रीम। दूसरा आएगा ब्राजील की धारा। दोस्तों ये देखिए हमारा अपना जैसे ब्राजील, ब्राजील देखिए ब्राजील ना, ये हमने प्राकृतिक माय बना के रखा है, टांग के रखा है, देखिए ये ब्राजील। ये देखिए विश्व देखिए प्रदेश है, यहाँ से धारा ऐसे इधर जाती है ईस्ट साइड, ब्राजील के पूर्वी तट से, विश्व देखिए प्रदेश से होते हुए ब्राजील के पूर्वी तट से होते हुए ध्रुवों की ओर जाती है, समझिएगा। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी तट पर, या यूं कहें कि ब्राजील के पूर्वी तट पर विषुव रेखीय प्रदेश से होते हुए ध्रुव की ओर जाने वाली जो धाराएं होती हैं वह है ब्राजील की धारा कहलाती है। यह दोस्तों गर्म जल धारा है। दूसरा आया गिनी की धारा। नेक्स्ट चौथे नंबर गिनी की धारा। दोस्तों गिनी की धारा जो है ये देखिए यहाँ पे एक देश मिलेगा अफ्रीका महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में चले जाइए, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, जो मेरा उंगली जा रही है ना इस पार्ट के आसपास, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे एक देश मिलेगा गिनी। इस गिनी देश के नाम पर इस धारा का नाम पड़ा गिनी की जलधारा। ठीक, ये भी जैसे कि हाँ यहाँ मेरा उंगली है यहाँ पे देखिए, ये देखिए विषुवत रेखा है, मतलब जीरो डिग्री अक्षांश, अर्थात यह भी क्षेत्र गर्म होगा, यहाँ से ऐसे आ रही है, ऐसे ऐसे ये वाला भाग ऐसे से उंगली जा रही है, ठीक है ना, ये वाला भाग आ रही है, ऐसे आ रहा है, ये भी क्या होगा गर्म जलधारा होगा। क्यों? क्योंकि यह भी विषुवत रेखा से जा रहा है। अब क्वेश्चन पूछते हैं कि गिनी की जलधारा कहाँ मिलेगी। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में गिनी की खाड़ी की तरफ, गिनी के खाड़ी दोस्तों यही मिलेगा, गिनी की खाड़ी ही मिलेगा। ठीक, देखिए देखिए जाओ गिनी की खाड़ी मतलब अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग में, ठीक, गिनी देश के पास, वहाँ से चल के विषुवत रेखा प्रदेश चल के ध्रुवों की तरफ जाती है, अर्थात नीचे की बात करें तो मैप में देखा जाए तो दक्षिण अफ्रीका की ओर जा रही है, यह गिनी की जलधारा, यह भी गर्म जलधारा है। अगला दोस्तों मिलेगा बेंगुएला की जलधारा। दोस्तों मिलेगा बेंगुएला की जलधारा, ठीक है ना, बेंगुएला की जलधारा भी यहां मिलेगी, यही पास मिलेगा, ऐसे ऐसे आ रहा है, ये भी गर्म जलधारा यहां पे ही मिलेगा बेंगुएला, ठीक है ना, यहां पे ऐसे आसपास में। अगला मिलेगा अलगुहास की धारा। अलगुहास की धारा दोस्तों ये मिलेगा अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल दक्षिणी भाग में, ये ऐसे अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग से होते हुए आ रहा है, मोजाम्बिक से होते हुए ऐसे ऐसे आ रहा है, ये देखिए अलगुहास कटक लिखा हुआ है, अलगुहास कटक ना यहीं पे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ये भी गर्म जल धारा है, ये विषुवत रेखीय प्रदेश से आ रहा है। ठीक, आगे मिलेगा कुरोसीवा। कुरोसीवा दोस्तों मिलेगा क्या कहते हैं कि विश्व के मानचित्र के टोटली पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग में कहें तो रूस और चीन के पूर्वी भाग में या जापान के पूर्वी भाग में कह सकते हैं, जापान के भाग में, यह भी विश्व की प्रदेश से ऊपर की ओर उठ रहा है, विश्व की प्रदेश से ऊपर की ओर जा रहा है। ठीक, इसलिए से गर्म जलधाराएं भी हैं। अब दोस्तों गर्म जलधारा में एक और मिला पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई धारा। ऑस्ट्रेलिया पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा दोस्तों ये वाला भाग मिलेगा, ये वाला भाग पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, ये देखिए विश्व देखी प्रदेश यहाँ से ऐसे ऐसे होते हुए आ रहा है, ऐसे ऐसे। ठीक, मतलब ये मान लीजिए कि विश्व देखी प्रदेश में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में आ रहा है, ये भी गर्म जलधारा है। ठीक, अब बात करें शीतल धाराएं। दोस्तों शीतल धाराएं में पहला धारा है अपना कैलिफोर्निया की धारा, पहला धारा क्या है कैलिफोर्निया की धारा। दोस्तों हम बताएं अभी जो भी शीतल धाराएं होंगी वो निश्चित रूप से ध्रुवों से विषुव रेखीय प्रदेश की ओर आएंगी, ये निश्चित ही है। अब दोस्तों एक कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया एक उत्तरी अमेरिका या फिर यूएसए, यूएसए का एक राज्य है, यूएसए का एक राज्य इस बेल्ट में मिलेगा, इस बेल्ट में मिलेगा मतलब यूएसए के पश्चिमी भाग में मिलेगा। ठीक, यहाँ पे कैलिफोर्निया है
और कैलिफोर्निया एक बड़ा राज्य है, प्रसिद्ध राज्य है, इसी वजह से उस जलधारा का नाम भी कैलिफोर्निया की जलधारा रख दिया गया है। एक अलास्का की खाड़ी से होते हुए कैलिफोर्निया होते हुए उत्तरी प्रशांत महासागर में चलने वाली पूरब विषुवतरेखा प्रदेश की ओर जाने वाली धारा है, जिसे कैलिफोर्निया की धारा कहते हैं। ठीक, दूसरी आया पूर्वी ग्रीनलैंड धारा। दोस्तों ये देखिए ग्रीनलैंड अपने आप दिख रहा है, ठीक है आपको मैं समझा रहा हूँ। पूर्वी ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड के ये पूरी भाग, ए वाले भाग में ग्रीनलैंड देखिए दोस्तों, मैप पे दिखा रहा है, सफ़ेद दिखा रहा है प्राकृतिक मैप में। दोस्तों अगर प्राकृतिक मैप में सफ़ेद दिखा रहा है तो निश्चित रूप से बर्फ है। बर्फ मतलब वह प्रदेश पूर्णतः शीतल है। अगर उस प्रदेश से कोई धारा बह रही है, जलधारा चल रही है, तो ये हम निश्चित रूप से जानते हैं कि वह जलधारा ठंड ही होगी, शीतल ही होगी, उससे गर्म होने का कोई चांस ही नहीं बनता, कोई संभावना ही नहीं है। इसलिए अभी पूरा जलधारा ठंड है, एक ग्रीनलैंड के पूर्वी भाग से होते हुए विषुवतरेखीय प्रदेश की ओर आ रही है, ये भी ठंड जलधारा है। अगला मिलेगा किनारी की धारा। किनारी की धारा दोस्तों ये मिलेगा ए वाले भाग में, दोस्तों ए वाले भाग में, ये देखिए ना ऐसे ए अफ्रीका महाद्वीप जो है, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी भाग, या फिर कहें कि उत्तर पश्चिमी भाग, यूरोप महाद्वीप के पास में जिब्राल्टर जनसंधि के लगभग समथिंग में, उस जिब्राल्टर जनसंधि के पास में ये आ रही है। इधर से किधर से आ रही है, उत्तर की ओर से आ रही है, उत्तर से आ रही है, इधर यूरोप महाद्वीप से आ रही है, आयरलैंड यूके होते हुए स्वीडन होते हुए आ रही, इधर से आ रही जो आ रही है। मतलब ये कहा जाए कि उत्तरी ध्रुव से यूरोप महाद्वीप को एक पश्चिम भाग से होते हुए अफ्रीका महाद्वीप की ओर या विश्व रेखा की ओर आ रही है, वो किनारी की जलधारा है, ये भी ठंड जलधारा है। अब आएगा दोस्तों फॉकलैंड की धारा। फॉकलैंड दोस्तों एक फॉकलैंड शब्द बहुत विवादित शब्द है। ये फॉकलैंड शब्द यहाँ देखिए मिलेगा, ये है देखिए, ये मिलेगा फॉकलैंड द्वीप समूह। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना महत्वपूर्ण देश दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का। ए वाला भाग है पूरा अर्जेंटीना का, उसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स। उसके पूर्वी तट पर या अर्जेंटीना के पूर्वी दक्षिणी पूर्वी तट पर नीचे यहाँ पर एक द्वीप है फॉकलैंड। अर्जेंटीना के बहुत अर्जेंटीना से बहुत पास पड़ता है, परंतु यह द्वीप जो है तो अर्जेंटीना के पास में, परंतु इस पर अधिपत अर्जेंटीना का नहीं है, इस पर अधिपत यूके का है, ब्रिटेन का है, यूके से बोलते हैं हम लोग, यूनाइटेड किंगडम यहाँ का इसका अधिपत्य है। तो ये इसमें दोनों विवाद का विषय है, ये हमें अभी इसमें नहीं समझना है, बस ये बता रहे हैं कि फॉकलैंड द्वीप समूह है ये यूके के अधीन है, अर्जेंटीना के पूरे भाग में मिलता है। ठीक, तो इस द्वीप के आसपास से चलने वाली जो जलधारा है, तो दोस्तों सीधे जब मैप पे दिख रहा स्पष्ट रूप से कि ये दक्षिणी भाग में है, यहाँ से जलधारा चल रही है तो विषुवतरेखीय प्रदेश में की ओर आएगी, तो ये कौन सी जलधारा होगी, ठंड जलधारा होगी। ठीक, ये ठंड जलधारा हो रही है, यहाँ आ रही है। दोस्तों ए पे आएगा, इसके बाद आएगा पश्चिमी वायु धारा। पश्चिमी वायु धारा ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया वाला भाग है ना, इधर से ऐसे ऐसे भाग चल, ऐसे चलने, ऐसे 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 चले से, ये देखिए जो समझ ना देखिए, यहाँ देखिए ऐसे 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 चल रही है। ठीक, ऐसे चल रही है, तो ये भी देखिए चीज समझिए कि कहाँ पर है, ध्रुव की ओर है, विश्व देखा से काफी दूर है, इसलिए अभी ठंड जलधारा है। एक आएगा और अंतिम एक आएगा ओयासिवो। ओयासिवो मिलेगा दोस्तों रूस के बिल्कुल, रूस और अमेरिका का जो क्या कहते हैं कि उत्तरी भाग है ना, उत्तर में या दोनों के जहां ज्वाइंट होता है उस बेल्ट में मिलेगा। अगर विश्व के मानचित्र में बोलेगा तो टोटली पूरब में है। एक यहाँ से आ रही है विश्व रेखा की ओर आ रही है, विश्व रेखा की आ रही धारा इसे क्या कहते हैं ओयासिवो, ये भी दोस्तों ठंड जलधारा है, ठंड जलधारा है। ठीक ना, तो दोस्तों जितनी जलधाराएं हमने लिखा है और बताया है किस किस क्षेत्र में चलती हैं, मैं मानचित्र का सहारा लेके टोटली पूरा समझाने का प्रयास किया है, और उम्मीद भी है कि आप पूरा समझे भी होंगे। इन जलधाराओं का नाम लिख लीजिए और अपने मानचित्र में एंट्री कीजिए, समझिए, निश्चित रूप से समझ में आएगा।
दोस्तों इसको पूरा मिटाते हैं हम। दोस्तों इसी चैप्टर से मिलता जुलता, समुद्री धाराओं से मिलता जुलता या समुद्री हवाओं से मिलता जुलता एक और चैप्टर है जो महत्वपूर्ण चैप्टर है, उसे हमें समझना चाहिए भारतीय उपमहाद्वीप की दृष्टि से और विश्व के महाद्वीप की दृष्टि से भी। एक बहुत महत्वपूर्ण है अल लिनो ला लिनो, आप जरूर नाम सुने होंगे क्योंकि ये अक्सर समाचार पत्रों में छपता रहता है कि अल लिनो का प्रभाव हो रहा है, ला लिनो का प्रभाव हो रहा है। ठीक, अब दोस्तों समझते हैं कि ये अल लिनो ला लिनो है क्या, एक्चुअल में इसका प्रभाव कैसे होता है, क्या होता है इसका संबंध हम डायरेक्ट वर्षा से जोड़ते हैं, वर्षा कैसे होगी, वर्षा कैसे नहीं होगी। दोस्तों अल लिनो पेरू के तट से, ठीक, मतलब ब्राजील दक्षिण अमेरिका के पश्चिम भाग से में चलने वाली एक जलधारा है। ठीक, यह गर्म जलधारा है। दोस्तों इसका संबंध चलता है जब समुद्री जलधारा चलती हैं यहाँ आती हैं, इसका प्रभाव हम दो तरह से देखेंगे, एक प्रभाव देखेंगे दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट से, एक प्रभाव देखेंगे भारतीय उपमहाद्वीप की दृष्टि से। ठीक दोस्तों, जब पेरू की जलधारा चलती हैं तो एक गर्म जलधारा है, इसका जब दिशा दक्षिण अमेरिका की तरफ हो जाता है तो पेरू के तटीय भाग में अत्यधिक वर्षा होती है, अत्यधिक वर्षा होती है। तो वर्षा होने का परिणाम यह होता है कि ये जो क्या कहते हैं कि दक्षिण अमेरिका का पश्चिम भाग है, इस भाग में रेगिस्तानी भाग में तो हरे भरे हो जाते हैं, परंतु अत्यधिक वर्षा होने के कारण जो पेरू के तटीय भाग है यह समुद्री संसाधन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण, काफ़ी धनी प्रदेश है, काफ़ी धनी जगह है। तो इन जगहों में जब वर्षा होती है तो समुद्री संसाधन नष्ट हो जाते हैं, तो ये कारण भी ये पेरू की अल लिनो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की दृष्टि से भी नुकसानदायक सिद्ध होती है। वर्षा तो कराती है परंतु नुकसानदायक होती है। अब दोस्तों थोड़ा समझने के लिए हम करें कि इस मैप को यहाँ से काटें और यहाँ आके सेट कर दिया आगे। ठीक, तो यहाँ से जो जलधारा चल रही है ऐसे चल रही है, ऐसे चलना शुरू होती है तो आते आते यहाँ पहुँच जाएंगे, आगे यहाँ पहुँच जाएंगे, एक गर्म जलधारा है, तो गर्म जलधारा चलते 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 यहाँ वाला जो भाग है हिंद महासागर वाला भाग जो है इस भाग में निम्न वायुदाब क्षेत्र का निर्माण करती हैं, बहुत बड़े निम्न वायुदाब क्षेत्र का निर्माण करती हैं, क्योंकि जलधारा कैसी हैं, गर्म जलधाराएं हैं, गर्म जलधारा होने के कारण हिंद महासागर या भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण में समुद्र की ओर बहुत बड़े निम्न वायुदाब का निर्माण करता है। यहाँ हिंद महासागर जहाँ मेरा उंगली जा रहा है, मैं समझ रहा है इसको समझिएगा, यहाँ पर इस क्षेत्र में बड़े से निम्न वायुदाब निर्माण करती हैं। अब दोस्तों इस टॉपिक को थोड़ा सा यहीं पे हम ब्रेक करते हैं, थोड़ा सा वर्षा को समझ लेते हैं, तो इस दोनों इंटरकनेक्शन समझेंगे ना हमें समझने में आसानी होगी। दोस्तों जब भी वर्षा होता है तो हवाओं के चलने के कारण होता है, जो हवाएं समुद्र से सफर करके आ रहे हैं उसमें नमी होगी, क्यों, क्योंकि समुद्र सफर करके आ रही है, और हवाएं दोस्तों हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। हम सामान्य से भाषा में सुनते होंगे लोग बोलते हैं हमारे बुजुर्ग कि इस वर्ष गर्मी कम पड़ रही है, वर्षा भी कम होगा, बोलते हैं ना, इसका संबंध है कि अगर गर्मी कम पड़ रही है तो न्यून वायुदाब का क्षेत्र का निर्माण ही कम होगा, इस कारण जो समुद्री उच्च वायुदाब से आने वाली हवाएं हैं वो हवाएं ही कम आ पाएंगी, तो इस कारण वर्षा भी कम होगा। दोस्तों समझते हैं, हम समझते हैं हिंद महासागर से आने वाली भारत में मानसूनी हवाओं को, तब हम समझ पाएंगे अल लिनो का प्रभाव कैसे होता है। दोस्तों हिंद महासागर से या अरब सागर से या हिंद महासागर से अरब सागर से या अरब सागर से उठने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं भारतीय उपमहाद्वीप में भारत के दक्षिणी भाग में एक जून के महीने में उच्च तापमान होने के कारण यहाँ बहुत बड़े निम्न वायुदाब क्षेत्र का निर्माण होता है, और ये जो हवाएँ आती हैं अरब सागर से उठने वाली मानसूनी हवाएं, क्योंकि अरब सागर से आ रही है उसमें हवा में नमी होगी, तो नमी लेते हुए हवाएं आती हैं तो भारत की ओर मुड़ जाती हैं, ऐसे यहाँ से अरब सागर उठने इधर मुड़ी तो इधर आई तो भारतीय भारत में जो बड़े बड़े पठार हैं पर्वत हैं उन पर्वतों से टकराती हैं तो वर्षा कराती हैं। ठीक, इसके पीछे वजह ये हुआ कि भारत में निम्न वायुदाब क्षेत्र का निर्माण होना
और अरब सागर से आने वाली हवाएं जो उच्च वायुदाब क्षेत्र से आ रही हैं उनका जगह लेने आती हैं। ठीक, आती क्यों है? क्योंकि यहां निम्न वायुदाब का क्षेत्र हुआ, गर्म हवा हुआ तो ऊपर उड़ गए, नीचे जगह खाली बचा तो ठंड हवाएं उसको भरने आ रही हैं। तो थोड़ी सी टॉपिक बड़ा उलझन है, आराम समझिएगा, पानी पी के समझिए, नहीं तो फिर बाउंस कर जाएगा, मजा नहीं आएगा। फिर थोड़ा सा उलझन जरूर है लेकिन इतना उलझन नहीं है कि समझ ना सकें। दोबारा प्रयास करते हैं, इतना जरूर देखिएगा समझिएगा कि जब तापमान उच्च होगा तो हवाएं ऊपर उठ जाएंगी, हवाएं जब ऊपर उठेंगी तो नीचे वाली जगह खाली बचेगा, उस खाली जगह को भरने के लिए कोई भारी पवन या उच्च वायुदाब से चलती हुई हवाएं आएंगी उनका जगह भरने के लिए। ठीक, तो भारतीय उपमहाद्वीप में, भारत के दक्षिणी भाग में निम्न वायुदाब का क्षेत्र निर्माण होता है, हवाएं ऊपर उठी, अरब सागर से आने वाली हवाएं उनका आसान लेने आती हैं, तो भारत में वर्षा होता है। अब दोस्तों इसी को हम अलिनो के प्रभाव से इंटरकनेक्शन करते हैं, जो पहले हमने रोका था, तब समझिएगा क्या प्रभाव होता है इसका। दोस्तों यहाँ हुआ उच्च बड़े क्षेत्र में निम्न वायुदाब क्षेत्र का निर्माण हो गया। ठीक, क्यों? क्योंकि अलिनो की धारा यहाँ से यहाँ पहुंची, अरब सागर से जो उठने वाली मानसूनी हवाएं हैं या ठंडी हवाएं हैं वो उनको जाना कहाँ है? भारतीय उपमहाद्वीप की ओर। क्यों? क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में निम्न वायुदाब क्षेत्र का निर्माण होता है, सॉरी उच्च वायुदाब क्षेत्र का निर्माण होता है, मिस हो गया, ठीक है ना दोस्तों, उल्टा हो गया। तापमान उच्च होता है तो वायुदाब निम्न होगा, थोड़ा ध्यान रखिएगा, मिस हो रहा है, तापमान उच्च हो रहा है तो वायुदाब निम्न होगा, ठीक है ना, यहाँ पर निम्न वायुदाब क्षेत्र का निर्माण हो रहा है। ठीक, अब इसी तरह से इस क्षेत्र में यहाँ पर बड़े स्तर पे अत्यधिक तापमान हो गया तो निम्न वायुदाब क्षेत्र का निर्माण हो गया। तो ये वाली जो हवाएं हैं अरब सागर से उठने वाली मानसूनी हवाएं वो यहाँ नहीं जा पाती हैं, इससे ज्यादा खाली जगह यहाँ मिल जाता है हिंद महासागर में, भारतीय उपमहाद्वीप जो मिला थी उससे ज्यादा खाली जगह मिला यहाँ मिल गया हिंद महासागर में, तो उनकी दिशा यहाँ परिवर्तित होकर आ जाती है हिंद महासागर की ओर। अब जब यहाँ आई तो यहाँ बड़े स्तर वर्षा कराती हैं और भारतीय महाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप टोटली सूखे की चपेट में आ जाता है। ये धारा देखिए दोस्तों, यहाँ से उठ रही है, इसको आगे चल के यहाँ पहुँचती है, ऐसे पहुँचते पहुँचते यहाँ पहुँच जाती है। ठीक, और ये अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाओं की दिशा को परिवर्तित कर देती है, परिणाम स्वरूप भारतीय उपमहाद्वीप में सूखे की स्थिति बनती है। ये था दोस्तों अलिनो का प्रभाव। ठीक, अलिनो जब भी आता है तो भारत में सूखी की स्थिति बनती है, ये हमेशा नहीं आता, ये मौसमी घटना है, कभी कभी 2-3 साल बाद आता है। जिस इसका विपरीत होता है, एक होता है लालिनो, इसकी छोटी बहन भी बोलते हैं, अलिनो का छोटी बहन लालिनो बोलते हैं। जब भी लालिनो आएगा तो जस्ट इसका विपरीत स्थिति होती है, तो भारत में अत्यधिक वर्षा होता है, अच्छी वर्षा होती है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा उलझन वाला है, हवाएं का दिशा है, थोड़ा सा इसको धैर्य रख के वीडियो एक दो बार देखिएगा, एक बार रुक के देखिएगा, आवाज़ को बहुत बारीक समझिएगा, और जहाँ जहाँ मैं मैप में मानचित्र में हाथ अपना ले आ रहा हूँ उन हाथों को थोड़ा गंभीरता समझिएगा तो ही समझ में आएगा। हल्का सा उलझा हुआ चैप्टर है ये, परंतु ऐसा नहीं है कि समझ ना आए, तो ज़रूर आएगा, थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। दोस्तों आगे हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिएगा और मन लगा के अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।